श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। सीएम शिवराज ने आज कैबिनेट के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक में सीएम शिवराज और मंत्रिमंडल के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई। कैबिनेट बैठक में श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास एवं गठन की स्वीकृति, दतिया में हवाई पट्टी को उड़ान योजना के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित करने की स्वीकृति जैसे कई बड़े फैसलों पर मोहर लगाई गई। आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज मंत्रिमंडल के द्वारा श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। आज दतिया में हवाई पट्टी को उड़ान योजना के तहत राज्य शासन की ओर से भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने हेतु O&M एग्रीमेंट तथा CNS पब्लिक ATM MOU निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे यहां आम नागरिकों को हवाई सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी तथा प्रथम चरण में दतिया से भोपाल और दतिया से खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएं प्रारंभ करना आज कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। आज सागर के अंदर चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 100 से 250 MBBS सीट वृद्धि करने हेतु स्वीकृति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में हमारे यहां पर जो अभावग्रस्त कलाकार होते थे, जो संस्कृति विभाग के अंदर आते थे, जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, उन्हें अभी तक 1500 के आसपास तक की जो सहायता दी जाती थी, उसे आज कैबिनेट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बढ़ा दिया गया है। अब वो 5000 रूपया उनको मिलेगा। लगभग 300 से अधिक लोग पहले से थे, अब चूंकि इनकम क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है तो ये संख्या काफी बढ़ेगी। पहले 800 से 1500 तक ही था, जिसे बढ़ाकर अब 5000 रूपया तक किया गया है। इसी तरह से आज नगरपालिका नगरी निकास विभाग के द्वारा राज्य स्तर पर जो ई नगरपालिका का पोर्टल चलता था 2.0 वाला, उसके संचालन के संबंध में भी आज निर्णय लिया गया है। इसमें 24 नागरिक सेवाएं प्रारंभ की गई हैं 16 मॉड्यूल के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी उसको भी किया गया है। इस पर 200 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय संपूर्ण योजना पे है और ई नगरपालिका मद में विभाग के पास 100 करोड़ रुपए उपलब्ध है। इसके जो आज महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है वो आज मंदसौर में एक नया SDM कार्यालय अनुभाग मल्हारगढ़ का सृजन कैबिनेट के द्वारा किया गया है, जिसमें तहसील मल्हारगढ़ के समस्त पटवारी हल्का नंबर 1 से 81 हल्के समाविष्ट होंगे। मंदसौर में नवीन अनुभाग मल्हारगढ़ के गठन के उपरांत से एक अनुभागी सीतामऊ तहसील में सीतामऊ के पटवारी हल्का 1 से 74, सुभासरा पटवारी हल्का 1 से 35 तक कुल 109 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। इसमें पदों का भी आज मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। स्टेनोटाइपिस्ट 1, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, इस तरह से 11 कुल पद स्वीकृत किए गए हैं। एक अन्य निर्णय में सागर में नवीन अनुभाव जैसी नगर का सृजन, जिसमें तहसील जैसी नगर, मंडल जैसी नगर और उनके पद स्वीकृत करने का आज तय किया है। कुल 126 हल्के इसमें समाविष्ट होंगे और 11 पद स्वीकृत आज किए गए हैं।
सीहोर में नवीन तहसील दोराहा का सृजन करने का भी आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है और इसमें कुल 41 पटवारी हलके समाविष्ट होंगे और 17 पदों का भी इसमें चयन करने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। ये एफएफपीओ के गठन का भी विकासखंड में प्रत्येक विकासखंड में 2 एफपीओ के गठन की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस एफपीओ की हैंड होल्डिंग जिसे प्रदान की जाएगी उसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखेंगे, उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग से जिनमें सहायता मिलेगी उस कार्य के लिए आज कृषि मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है।